हेलो दोस्तों, खबर लहरिया के पेज पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप अभी लाइव के माध्यम से देखेंगे कि जैसा कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कलेक्टर घिराव करने वाले थे, अब वो समय आ गया है और लोग देखिए कितने काफिले के साथ जा रहे हैं। तो आप बने रहें और देखें। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल जो प्रोग्राम होना था वो शुरू हो चुका है, देख सकते हैं आप। और सभी लोग कलेक्टर कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। भैया निकल जाने देना थोड़ा सा। नारे लगाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं, हजारों की तादाद में हैं। एक्चुअली तो बताना बहुत मुश्किल होगा, पर देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से। हो सकेगा तो हम यहाँ पर लोगों से निकल जाएंगे ये थोड़ी भैया, बैरियर तोड़ते हुए लोग जाएंगे।
हैं कि आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ने फिर भी जो लोग हैं वो बैरियर तोड़ के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार कलेक्टर साहब को बुलाने के आदेश कर रहे हैं और कलेक्टर बंगले के जस्ट बाहर हैं, इसीलिए ये लोग देख सकते हैं आप लाइव के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चल के टक्कर गए, हमारा जमाना ना है, हमारा चल के
पानी 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 आ रहा पानी। देख सकते हैं जनता के लिए उन्होंने लोगों को भगाने के लिए यहां पर पानी स्टार्ट कर दिया गया है, जिस वजह से कवरेज करने में भी थोड़ा सा दिक्कत होगी कि ताकि मोबाइल गीले हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितनी जोर से पानी की बारिश की जा रही है ताकि लोग भाग जाएं। लोगों के ऊपर पानी चलाने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, फिर से सारे लोग वहीं एकत्रित हो गए हैं, जो युवा लोग हैं और कांग्रेस के जो नेता हैं वो वहां से जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि पहले कलेक्टर साहब ही आएंगे, तब हम लोग यहां से अपनी बात रखकर ही। देख सकते हैं आप लोग काफी गीले हो चुके हैं और मोबाइल में लोगों के काफी भीग गए हैं, हालांकि पानी खत्म हो चुका है, जिससे फिर से सारी जनता फिर से वहीं एकत्रित हो चुकी है। पुलिस रोकते हुए फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस प्रशासन अपनी पूरा जोर लगा रहा है। आप भी फुल आनंद ले रहे हैं, देखिए आप पुलिस प्रशासन भी फुल आनंद लेते हुए। नमस्ते, हम आपको देख रहे थे बहुत देर, हमने लाइव चलाया है और अभी भी चला रहे हैं, आप भी इसी में हो।